हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स. टुडे विल स्टार्ट द सिक्स्थ चैप्टर ऑफ आवर इंग्लिश रीडर बुक एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ द वाइल्ड स्वान्स. इस चैप्टर में हम लोग एक चुड़ैल के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक राज्य में राजा रानी बनकर रह रही थी, ठीक है. और उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से वहाँ के बच्चों को परेशान करती है, ठीक है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Far away in the land to which the swallows fly when it is winter. बहुत समय पहले की बात है. जब ठंडियाँ पड़ती हैं तो swallows नाम के कुछ पक्षी हैं जो आस पास उड़ते हुए नज़र आ रहे थे. Dwelt a king who had 11 sons and one daughter. तभी वहाँ उस राज्य में एक राजा हुआ करता था जिनके 11 sons और एक daughter थी जिसका नाम था Eliza. द 11 ब्रदर्स वर प्रिंसेस. जो 11 ब्रदर्स थे वो लोग राजकुमार थे. एंड इच वेंट टू स्कूल विद अ स्टार ऑन हिज ब्रेस्ट. और सभी स्कूल जाते थे अपने छाती के ऊपर एक स्टार, मतलब स्टार लगाकर जाते थे. और एंड शॉर्ट बाय हिज साइड, और उनके बगल में एक तलवार अपना लेकर वो लोग स्कूल जाते थे. दे रोट विद डायमंड पेंसिल ऑन गोल्ड स्लेट्स एंड लर्न देयर लेसन सो क्विकली एंड रीड सो इजिली दैट एवरी वन माइट नो दे वर प्रिंसेस. और वो लोग डायमंड की पेंसिल से गोल्ड के स्लेट्स पर लिखते थे और अपने लेसन्स को बहुत ईजिली और जल्दी याद करते थे, जिससे कि सभी को वहाँ पर जो लोग थे उन लोगों को पता था कि वो लोग जो हैं प्रिंसेस, प्रिंस लोग हैं. गो आउट इन टू द वर्ल्ड एंड गेट योर ओन लिविंग. जो रानी थी, जो कि एक एग्जैक्टली में वो एक चुड़ैल थी और रानी बन के रह रही थी, तो वो उन 11 ब्रदर्स को कहती है, जाओ बेटा, तुम लोग बाहर की दुनिया में जाओ और अपनी ज़िंदगी को जियो. फ्लाई लाइक बर्ड्स हु हैव नो वॉइस. ऐसे पक्षियों की तरह उड़ो जिनकी कोई वॉयस नहीं होती है. बट शी कुड नॉट मेक दैम अगली एज शी विस्ड. लेकिन वो उन लोगों को उतना बुरा नहीं बना पाई जैसा कि वो चाह रही थी. फॉर दे वेयर टर्न इन टू 11 ब्यूटिफुल स्वान्स. और वो 11 ब्रदर्स जो थे ब्यूटिफुल स्वान्स के रूप में टर्न हो गए, ब्यूटिफुल हंस के रूप में बदल गए. Then with a strange cry, they flew through the windows of the palace. जब वो लोग हंस बन गए तो वो लोग रोते रोते अपने महल के विंडो से बाहर चले गए. Over the park to the forest beyond. पार्क के ऊपर से होते गुजरते हुए, अपने गार्डन के ऊपर से गुजरते हुए वो जंगल की तरफ चले गए. It was early morning when they passed the peasant's cottage where their sister Eliza lay asleep in her room. They hovered over the roof, twisted their long neck and flapped their wings, but no one heard them or saw them, so they were at least obliged to fly away high up in the cloud and over the wide world. Oh, world they flew till they come back to a thick dark wood. एक दिन की बात है कि क्या हुआ, सुबह सुबह का टाइम था और वो प्रिंसेस जो उनकी बहन थी अलीज़ा, वो जो पीजेंट कॉटेज होता है ना उसमें रह रही, वहाँ पर सोई हुई थी. तो ये लोग क्या हुआ, जो 11 ब्रदर्स थे हंस के रूप में टर्न हो गए थे, तो ये लोग पीजेंट कॉटेज के ऊपर आए और वहाँ पर अपनी बहन को बहुत अपने विंग्स को फड़फड़ाया उन लोगों ने, नेक ट्विस्ट करके वो रूफ को नॉक किया, लेकिन कोई भी उनकी इस आवाज़ इन सारी आवाज़ को सुन नहीं पाया. और लास्टली वो लोग वहाँ से जाने के लिए मजबूर हो गए और वो लोग वहाँ से चले गए. अर्ली वन मॉर्निंग द क्वीन वेंट इन टू द बाथरूम. इट वॉज बिल्ट ऑफ मार्बल एंड हैड सॉफ्ट कुशंस विद द मोस्ट ब्यूटिफुल कर्टन्स. सी टुक थ्री टोर्ड्स विथ हर एंड किस देम एंड सेड टू वन, व्हेन एलिजा कम टू द बाथ, सीट योर सेल्फ अपॉन हर हेड दैट सी मे बिकम एज स्टूपिड एज यू आर. एक दिन की बात है, सुबह सुबह क्या हुआ, जो क्वीन थी वो बाथरूम में जाती है, जो कि बाथरूम बहुत ही खूबसूरत रहता है, मार्बल से बना हुआ बाथरूम था, वहाँ पर सॉफ्ट कुशंस रखे हुए थे और ब्यूटीफुल कर्टेंस भी लगे हुए थे. तो वो अपने साथ तीन मेंढक लेकर जाती है, तीनों मेंढक को वो अपने हाथ पर रख कर किस करती है और कहती है कि जैसे ही एलिजा नहाने के लिए आएगी, तो उसने पहले मेंढक को कहा कि जैसे ही एलिजा नहाने के लिए आएगी तुम उसके सर पे बैठ जाना ताकि वो तुम्हारे जैसे स्टूपिड हो जाए,
बेवकूफ़ बन जाए. देन शी सेड टू अनदर, प्लेस योर सेल्फ ऑन हर फोर हेड दैट शी मे बिकम एज अगली एज यू आर. और दूसरे को बोलती है कि तुम उसके फोर हेड पर बैठ जाना ताकि वो तुम्हारे जैसे अगली हो जाए. एंड दैट हर फादर मे नॉट हर नो हर, ताकि उसके फादर जो है उसको पहचान ना सके. रेस्ट ऑन हर हर्ट शी विस्पर टू द थर्ड वन, और तीसरे मेंढक से वो कहती है कि तुम उसके छाती पे बैठ जाना जिससे कि उसका जो नेचर है वो बुरा हो जाए. सफर्ड इन कॉन्सिक्वेंसेज सो सी पुट द टोर्ट्स इन टू द क्लियर वाटर एंड दे टर्न ग्रीन इमिडिएटली. द सी नेक्स्ट कॉल्ड एलिजा एंड हेल्प हर टू अंड्रेस एंड गेट इन टू द बाथ. तीनों मेंढक को ये सारी चीज़ें समझाकर उस चुड़ैल ने क्या किया, उनको पानी में छोड़ दिया. जब वो पानी में जैसे ही वो मेंढक गए वो इमिडिएटली ग्रीन कलर में टर्न हो गए. उसके बाद उसने जो है एलिजा को बुलाया और उसको मदद की अंड्रेस होने में और उसको नहाने के लिए बोला. एज एलिजा डिप्ड हर हेड अंडर द वाटर वन ऑफ द टोड सैट ऑन हर हेयर, द अ सेकेंड वन ऑन हर फोरहेड एंड द थर्ड ऑन हर रिस्ट, बट सी डिड नॉट सीम टू नोटिस देम. व्हेन दे सी रोज आउट ऑफ द वाटर देयर वेयर थ्री रेड पॉपीज फ्लोटिंग अपॉन इट. एलिजा ने जैसे ही अपना सर पानी में डुबाया नहाने के लिए, पहला टॉर्ट जो था, पहला मेंढक जो था उसके ऊपर हेयर पर बैठ गया, दूसरा जो है उसके फोरहेड पर, और तीसरा जो है उसके ब्रिस्ट पर बैठ गया. लेकिन एलिजा ने ये नोटिस नहीं किया और जैसे ही वो पानी से बाहर आई वो तीनों जो है रेड पॉपीज़ में कन्वर्ट होकर के वहीं पानी में तैरने लगे. पॉपीज़ मतलब खसखस, ठीक है. हैड द क्रीचर्स नॉट बीन वेनमस और बीन किस्ड बाय द विच, तब जब उसने एलिजा ने देखा तो वो थोड़ा डर गई. लेकिन जो चुड़ैल थी उसने बोला कि नहीं, ये सारे क्रिएचर, ये जो हैं जहरीले क्रिएचर नहीं हैं, देखो मैं इसे किस भी कर सकती हूँ. उसने जैसे ही किस किया वो पूरे रेड रोजेज में चेंज हो गए. एट ऑल इवेंट्स दे बिकेम फ्लावर्स बिकॉज दे हैड रेस्टेड ऑन एलिजाज हेड एंड ऑन हर हर्ट. वो रेड रोज में इसलिए चेंज हो गए क्योंकि एलिजा जो है इतने अच्छे नेचर की थी कि वो उसका बुरा कर ही नहीं पाए, वो उसके साथ बुरा हुआ ही नहीं. वो रेड रोजेज के रूप में वो मेंढक जो है वो बदल गए. सी वॉज टू गुड एंड टू इनोसेंट फॉर विचक्राफ्ट टू हैव एनी पावर ओवर हर. वो उसका नेचर इतना अच्छा था, वो इतनी अच्छी थी, उसका इनोसेंट थी कि उसके ऊपर किसी भी तरीके का जादू टोना काम ही नहीं किया. व्हेन द विक्ड क्वीन सॉ दिस शी रब्ड हर फेस विद द वॉलनट जूस. जब वो चुड़ैल ने ये देखा कि उसके ऊपर ये जादू टोना काम नहीं कर रहा है तो उसने वॉलनट का जूस लिया और वो एलिजा के फेस पर रगड़ने लगी जिससे कि एलिजा का कलर जो है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया. उसके बाद उसने एलिजा के बालों को जोर से बांध दिया और उसके साथ उसके ऊपर गंदा सा एक ऑइंटमेंट लगा दिया ताकि उसके फादर जो है वो उसको पहचान ना सके. और एलिजा जो है ब्यूटीफुल थी, वो उसके ऊपर इतना सब कुछ किया ताकि वो पहचानी ना जा सके. व्हेन हर फादर सॉ हर ही वॉज मच शॉक्ड एंड डिक्लेयर्ड शी वॉज नॉट हिज डॉटर. जैसे ही एलिजा वहाँ से भागकर अपने पापा के पास गई, उसके फादर ने देखा और उसने ने कहा ये मेरी बेटी नहीं है. नो वन बट द वॉच डॉग एंड द सैलोज न्यू हर, बट कोई भी नहीं समझ रहा था एलिजा को. लेकिन जो डॉग था उनका, पेट डॉग था वो, और सैलोज जो थे पक्षी जो थे वो लोग उनको पहचान रहे थे. बट एंड दे वर ओनली पुअर एनिमल एंड कुड से नथिंग. बट वो लोग कर भी क्या सकते थे, वो लोग तो सिर्फ पुअर एनिमल्स थे और वो लोग कुछ कह भी नहीं सकते थे और कर भी नहीं सकते थे. देन पुअर एलिजा वेप्ट एंड थॉट ऑफ हर 11 ब्रदर्स हु वर ऑल अवे. उसके बाद जो एलिजा है वो रोती रोती रही और रोते रोते अपने भाइयों के बारे में सोचते हुए वहाँ से चली गई. सॉरोफुली शी स्टोल अवे फ्रॉम द पैलेस एंड वॉक द होल डे ओवर फील्ड्स. बहुत दुखी मन से वो पूरे महल से दौड़ती हुई बाहर चली गई और पूरे दिन फील्ड में घूमती रही. टिल सी केम टू द ग्रेट फॉरेस्ट, जब तक वो एक बड़े जंगल में नहीं चली गई. सी न्यू नॉट टू इन व्हाट डायरेक्शन टू गो बट सी वॉज सो अनहैप्पी एंड लॉन्ग सो फॉर हर ब्रदर्स हु हैड बीन लाइक हर सेल्फ ड्राइवन आउट इन टू द वर्ल्ड. उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था कि किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन वो इतनी दुखी थी कि वो चलती जा रही थी और अपने भाइयों के बारे में सोच रही थी कि जो कि उसके जैसे ही कहीं चले गए थे और
उसके जैसे ही दुखी थे। दैट सी वॉज डिटरमाइंड टू सीक देम, और वो उन्हें खोजने के लिए ही जंगल की तरफ जाती जा रही थी और अपने भाइयों के बारे में सोचती जा रही थी ताकि वो उन लोगों को मिल सके। होप आप लोग सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।